और अभी आपको अहम खबर देते चलें, कोरोना पाबंदियों में नरमी के हवाले से सिंध हुकूमत ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना केसेस में कमी के बाद ट्रांसपोर्ट, कारोबार और दीगर शोबों के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं। आपको बताएं, इस हवाले से महकमा दाखिला सिंध का यह कहना है, सिंध में कारोबार रात 8 बजे तक खोलने जबकि शादी हॉल्स बंद रखने का फैसला किया गया। ताहम बेकरियाँ और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। आपको बताएं, महकमा दाखिला सिंध का यह कहना है कि नुमाइश के लिए एक्सपो हॉल्स पर पाबंदी बरकरार रखने जबकि रेस्टोरेंट्स को आउटडोर सर्विस की इजाज़त देने का फैसला किया गया है। रेस्टोरेंट्स टेक अवे सर्विस रात 12 बजे तक कर सकेंगे। यहाँ पर आपको ये भी बताएं, महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक कराची में जुमे और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। कारोबारी मराकज़ में काम करने वाले मुलाजमीन की कोरोना वैक्सीनेशन को लाजमी करार दिया गया है। नए हुक्मनामे में कहा गया कि बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ता और इतवार को बंद रहेगी। मज़ारात, सिनेमा थिएटर और तमाम पार्क्स बंद रखने जबकि जिम और इंडोर गेम्स पर भी पाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं, ऑल पाकिस्तान इवेंट ऑर्गेनाइजर एसोसिएशन ने शादी हॉल्स की बंदिश और आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी के हवाले से मुल्क की एहतजाज की धमकी दे दी।